विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में चल रहे 7 दिवसीय बजरंग दल के प्रशिक्षण शिविर में 16 संगठनात्मक जिलों से लगभग 112 सदस्यों ने भाग लेकर इस शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस शिविर में विशेष ट्रेनर्स द्वारा आध्यात्मिक, शारीरिक व मानसिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बजरंग दल के 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने देश में चल रहे धर्मांतर का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि बजरंग दल ईसाइयों व मुसलमानों को प्रदेश छोड़ो आंदोलन चलाने में नहीं हिचकिचाएगी। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वे इस पर हस्तक्षेप करे तथा ऐसे मिशन पर नजर रखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुसलमानों पर ईसाइयों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और आए दिन अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण बढ़ रहा है। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर सरकार को कड़े नियम बनाने को कहा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 व 35A पर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जल्द इसे हटाने का निर्णय लेगी और साथ ही देश के मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कड़ी आपत्ति जताई है। विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में चल रहे 7 दिवसीय बजरंग दल के प्रशिक्षण शिविर में 16 संगठनात्मक जिलों से लगभग 112 सदस्यों ने भाग लेकर इस शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस शिविर में विशेष ट्रेनर्स द्वारा आध्यात्मिक, शारीरिक व मानसिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये दोनों ही हटनी चाहिए, ये उन्होंने बार बार। इस समय जो मौका है वो बहुत अच्छा है, सरकार मजबूती के साथ आई है। 370 35 से ये सरकार हटाएगी, ये हमको पूरा विश्वास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी के लिए बलिदान दिया था और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं था। 20 स्थानों पर हिंदुओं पर हमले किए गए, मंदिर तोड़े गए, जैसे चांदनी चौक का मंदिर तोड़ा गया ऐसे कुछ और स्थानों के ऊपर भी तोड़े गए। रांची में, सूरत में ऐसे कम से कम 15 स्थानों पर उग्र प्रदर्शन किए मुसलमानों ने, जिसमें पुलिस पर हमले किए गए, हिंदू समाज पर हमले किए गए। हिंदुओं ने धैर्य से काम लिया है, लेकिन हमारा धैर्य कायरता का प्रतीक नहीं है। ये मुस्लिम समाज के उस जिहादी वर्ग को भी समझना चाहिए, इन राजनेताओं को भी समझना चाहिए कि जब हिंदू का धैर्य समाप्त होता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है, इतिहास के उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कानून बना है, सरकार उसके लिए बधाई की पात्र है, लेकिन उस कानून में कुछ कमियां हैं, जिसका लाभ ईसाई मिशनरी ले रहे हैं। धर्मांतरण का खेल पूरी तरह बंद होना चाहिए इस देवभूमि में। ये जिहादी और मिशनरी मिलकर इस देवभूमि में आग लगाना चाहते हैं। ये धर्मांतरण रुके, ये मिशनरीज के भी हित में है और उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, बंद करिए अपना काम, ये अवैध काम है। यदि करने पर नहीं रुके, हमें हिमाचल के अंदर ही एक सेकंड क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा और ईसाई मिशनरियों हिमाचल छोड़ो, ये बात हमको करनी पड़ेगी।